अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान आते हैं, लेकिन आज जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वो किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसी शो की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुद इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। अरे वाह। तो प्लीज वेलकम हम सबके भाईजान, सबके चहेते सुपरस्टार सलमान खान। ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उड़ते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज आई, आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया, वहां पे एक्सरे लिए तो दो रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाए हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मजा आता ही है क्योंकि आपको देखने के लिए ना, नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियां आती हैं, आपके टाइम पे रेशियो ज्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी मैं शो बन रहा हूँ। बड़ा शरारती हो गया तू भाई। ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? एंगेज पास्ट टेंस में आता है। हाँ, एंगेजिंग हूँ, एंगेजिंग। प्रोसेस जारी है, जारी है, जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जारी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो, तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवट लेता है कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो, वो जानना चाहते हैं लोग। मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में, वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई आपको नींद नहीं आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा, ये बहुत बहुत टाइम की बात है और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ, अच्छा, तो बैच चेस्टर था तो ऐसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा है पास्ट में, तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला ट्विटर पे, किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या मतलब नहीं, नहीं नहीं भाई मैंने नहीं,
मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना आठवें दसवें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। ये बड़ा ट्रिकी है, अगर बोलने का ट्विटर छोड़ दो जी, तो जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं, बात मानते हैं। क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई, एक और सवाल आपसे पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई अभी हाल ही में, अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। प्रियंका की हो गई, अफसोस की बात है। तो सलमान भाई, जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई, जोक अच्छा, भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तो मैं वैन में बैठे थे वहां पर और फोन की घंटी बज रही थी वहां पर, यू नो भाईजान यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, Bhaijaan. The shaadi na is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. Bhaijaan, one second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है भाजी। आप मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। भाजी आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा, दोनों ही नहीं देखे। अच्छा मतलब, पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, माचो मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची को ना बता चौकला चाइना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो एक दो लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे, थोड़ा बहुत इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सलमान भाई आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार तालियां बजती रहे। तो अब वक्त है दो और खास मेहमानों को यहाँ इनवाइट करने का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सलमान भाई के छोटे भाई हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम वेरी डैशिंग मिस्टर अरबाज खान एंड मिस्टर सोहेल खान। जोरदार तालियां। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है, वाह, जिस पर दिलो जान न्योछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है, वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में तीन इक्कों की बाजी है ठोके। वेलकम वेलकम अरबाज भाई, सोहेल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। Ha ha ha!
सोहेल भाई घर भी चले जाया करो, कोई जिम में रहते हो आप, क्या कमाल है मतलब, जोरदार तालियां बजती जरा, मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, पर मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं देखो आप। ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में, आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते भाई? दिन में तीन बार। दिन में तीन बार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई, ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई जी? तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते हैं ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ, आप लेके गए कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंड स्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंड स्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होकर, कुछ फैंस होते जो अटेंशन के लिए गालियां देते, अच्छा, तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे, अच्छा, और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है, फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है तो गालियां क्यों दे रहा है? फिर पांच छह लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब, अच्छा, और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा, वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस उसका काम होता, फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा अपसेट डैडी थे, वो काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल वो जलता है ना पीछे, वो आवाज ही ये जब, और उसकी वजह से पिटे वो, बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए, फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया, डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरी वेरिंग का काम होएगा ना तो अपने को बोल लेगा क्या? कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहां पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग शाउटिंग, और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहां करीबन 100 फाइटर्स थे, तो जब ये बढ़ता गया ऐसे, यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहां से निकलने के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो वहां थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूं क्या जो मेजोरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहां भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू ब्लैक ग्रीन सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया, और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाए हम लोग, ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है। कम भाई, फाइटर्स असली बंदे ने मारा, फाइटर्स फाइटर्स ओके
मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर। मैं फाइटर हूँ और आपसे लड़ना है। ओके, आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है, उनको मिस करने की आदत है। तो अभी जो अगर आप सही झगड़े में पड़े आओ तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई कि आप मिस करो तो लाज मारना नहीं है। कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी पाजी 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 पाजी, उनकी नौकरी नहीं चले जाए। तो उनकी आदत है, वो ट्रेनिंग है मिस करना। जो सामने की पार्टी थी वो तो दना दन कनेक्ट कर रही है और ये स्टाइल कर रहा है। मैं रह सकती सकती में मेरा कपूर, ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर, बीच में सोनू सूद, बच्चा तू बच्चा तू बच्चा, ये क्या दूध दूध लगा रखा है? कपू शर्मा, एक बात साफ साफ समझ लीजिए। क्या? ये दूध है ना, हमारा बिजनेस है, एंड माय बिजनेस इज माय बिजनेस, none of your business. सर, इधर भी ब्रांडिंग की है, बच्चा दूध। सर, आपका फिल्म का डायलॉग है, सोचा कि आपके सामने पेश कर दूं। बचा सर, सच एन ऑनर सर, सोहेल जी, सलमान सर, सच ए प्लेजर। मतलब सर, इसे कहते हैं खानदान। नहीं, इत्तेफाक का बात देखिए, आप लोग खान भी हैं, दान भी बहुत करते हैं, खानदान सही मायने में खानदान है यार। बड़ा मजा आ रहा है सर। सर, आई एम ए बिग फैन, ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके, क्या बताएं सर। साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ सर, मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है। सर, कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना, उसका ऑक्शन हुआ था। हमको फोर्स करी के चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना, हमसे खरीदवाया, देखे पहन कर आइए आपके। ए बच्चा, झूठ बोल रहा है, ये तो नकली है। अप्पू शर्मा, आपको पता है ये नकली है, हमको पता है नकली है। भाई साहब को थोड़ी पता है कि नकली है। लेटर एंजॉय यार, मजा आता है। सर, वैसे सर, हमने अपना ना एक न्यू सिद्धू जी ब्रांड लॉन्च किया, बड़े सही दिन पे आए हैं आप। हमने अपना खुद का दूध का ना प्रोडक्ट निकाला है। क्या बात है। इट्स कॉल्ड बच्चा मिल्क, बच्चा दूध। देखिए सर, बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब कमाल का दूध है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये ऐसा पैकिंग किया है हमने, और ये जो आपको चोटी लग रहा है ना, यहाँ से दूध पी सकते हो। क्या थॉट है सर, इनोवेशन देखिए, इनोवेशन। और ये दूध में बहुत ताकत है सर, इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी ले ना तो जवान हो जाए, और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा। दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा। FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है, शादी करना पड़ता है, और अभी कुछ टेक्निकलिटीज है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.